जो भी मैच आएंगे टफ होते जाएंगे, कठिन होते जाएंगे, और फुटबॉल अपनी लोकप्रियता, रोमांचक का, उत्साह की परम सीमा को, शिखर को छुएगा, क्योंकि अब कोई भी टीम होगी इतनी आसानी से हार को स्वीकार नहीं करेगी, बिल्कुल नहीं करेगा। सेकंड राउंड फर्स्ट गेम महालक्ष्मी देवंजुरी वर्सेस वर्ल्ड कप की ब्रदर्स के बीच शुरू हो गया। देखिए इसमें कौन सी टीम जीतती है, कौन टीम पराजित का मुंह देखती है। जैसे नहीं तेरा नाम ही है भाई, मैं तेरा मन नहीं है क्या बैठा, चाय मेरे को नहीं पता। मैं लाइट ऑपरेटर से अनुरोध करता हूँ कि अगले 10 मिनट में कृपया लाइट को जला दें, लाइट जलने में भी समय लगता है। सुबह घर से ले लीजिएगा, हम आज निकाल के रख देंगे। कप उपनी है ठीक ना, कप खत्म। अंकित चल चल, अंकल कप खत्म, लेके आओ चाय है। चाय चला है तो पता नहीं चला। यह गेम जो आप देख रहे हैं दूसरे गेम, दूसरे राउंड का पहला गेम, महालक्ष्मी देवंजुरी वर्सेस वॉलकॉट मुखी ब्रदर्स, नीली जर्सी में वॉलकॉट मुखी ब्रदर्स और मरून जर्सी में महालक्ष्मी देवंजुरी। उम्दा खेल का प्रदर्शन करते हुए दोनों ही खिलाड़ी पहले राउंड में विजय प्राप्त करते हुए दूसरे राउंड में अपना पहला गेम खेलते हुए दूसरे राउंड का दूसरा गेम होगा एनकेएस मुल्लुम वर्सेस बीएसएसपी जमशेदपुर। क्योंकि रोशनी थोड़ी सी मंद हो चुकी है और चारों तरफ बांसनुमा टावर पर जो है फ्लड लाइट संडे रात को इसका नजारा थी, मैदान को और भी खूबसूरती पैदा प्रदान कर। जिसे कि वो उनके हाथ में मार गए। बहुत ही अनुभवी गोलकीपर वॉलकॉट मुखी ब्रदर्स के, जबकि सेकंड मैच होगा इसके बाद एनकेएस होल्डन वर्सेस बीएसएससी जमशेदपुर। दोनों के
टीम मैनेजर या कैप्टन जब हमारी आवाज सुन रहे हैं तो वो कुछ देर के बाद वार्म अप शुरू करेंगे। एनकेएस होल्डिंग वर्सेस बीएसएसपी जमशेदपुर सेकंड राउंड सेकंड मैच। कमाल का गोल, गजब का गोल, क्या शानदार माइनस और क्या शानदार फिर इतना कमजोर के पास बॉलर फेसिंग हुई थी कि गोलकीपर के पास कोई जवाब नहीं। बेहतरीन गोल मिस्टर पवार अपने टीम मुक्की प्रदेश को 1-0 के लिए ताकत नहीं नजर पहले अरे नहीं सका उसे वो क्रिकेट वाला क्रिकेट में बोला जाता है चार चार मैं अपने सभी दर्शकों को सेकंड राउंड बताना चाहूंगा। यह सेकंड राउंड का पहला दूसरा गेम खेलने के लिए तैयार रहेंगे एनकेएस मुंडम वर्सेस बीएसएसपी आगे बोला हमारे बोले जैकेट तो नहीं आते लाल जैकेट टा बोलवे मुक्की प्रदेश पहले पतला बेहतरीन खेल जिसके पास बॉल है आईसल खेल उसी के साथ 1-0 की बढ़त पहला ही मैच में पहला ही गोल रन हो गया अच्छा इसमें हाल में बैन हुआ है 2 साल का 15 साल करवा लिया था मैच छोड़कर टूसू मेला घूमने आया में रात को रहता ही नहीं एकदम नहीं ब्रिलियंट सेव और बहुत ही बेहतरीन शॉट गौरव मुखी के द्वारा सारे दर्शक हमारे चारों दिशा में बैठे हुए हैं और इस फुटबॉल के महापर्व का लुत्फ उठाते हुए यह बचाव गोलकीपर के द्वारा बहुत ही बेहतरीन बचाव था वरना यह 2-0 की अजय बढ़त वार्कट मुखी प्रदेश का हो जाता बेहतरीन खेल का प्रदर्शन दिखाते हुए दोनों ही टीमों के खिलाड़ी टॉपिक क्या था गोल पोस्ट के ऊपर से
ऊपर से समझना चाहिए, समझने वाला सब बोल दे। और विशेष अतिथि इस बीच हमारे मुख्य मंच पर मंचशील होने जा रहे हैं श्री पिंटू चाकिया जी, जो कि हमारे समाज सेवी हैं, सोशल वर्कर हैं पार्षदी के, और हमारे की ओर से सर आपका हार्दिक अभिनंदन। और आपने अपने अनमोल समय में से कुछ समय निकाल कर हमारे इस टूर्नामेंट को दिया है। नौजवान युवा प्रतिनिधि श्री गणेश सोलंकी जी, उनके और उनके साथियों का ये कोशिश है, ये मेहनत है, जिसका परिणाम परत उनके पास। दूसरे आज का खेल शुरू। मैंने बार में लग के आगे बाहर चाय कहाँ से? चालू नहीं हुआ उसको प्यारे बेटा लोग सुन लोग रहे कि हम लोग को बुरा लोगों से आए जो आप गेम देख रहे हैं, यह सेकेंड राउंड का पहला गेम चलता हुआ महालक्ष्मी लोकजुड़ी वर्सेस वॉरकट लुकी ब्रदर्स। गोल कितना किया है?
तैयार रहेंगे। मैं दोनों ही टीम एमकेएस उल्लू वर्सेस बीएसएसपी जमशेदपुर के मैनेजर से अनुरोध करता हूँ, कृपया अपनी अपनी टीमों को लेकर मैदान में उतर जाए। ले भाई विष्णु लेके आओ, लेके लेके लेकिन यहाँ पाएंगे तो गाय के लिए बोल रहा था गिलास नहीं है। बोल मारा के ये बैठ भाई चाहिए सर। लेकिन सर जीतने का नहीं तो बाइक चार गोल को कोई नहीं मार रहा है, कोई नहीं मारा है, नेक्स्ट वीक मारा तुम देखना रोहित दूसरे राउंड का पहला गेम चलते हुए 1-0 की बढ़त मुख्य ब्रदर्स के पास। इस गेम के तुरंत बाद दूसरे राउंड का दूसरा गेम होगा एमकेएस उल्लू वर्सेस बीएसएसपी जमशेदपुर, और उसके बाद तीसरा गेम यूनाइटेड एफसी घोड़ा बंदर। अच्छा हाँ हाँ छुटा करके जो जेपसी ए से बी में था 11 नंबर बहुत मांगा देख कौन लेगा हमें रख देना भाई अभी जल जाएगा जल और लेंगे। अब मैं ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के चेयरमैन श्री गणेश सोलंकी जी से अनुरोध करूंगा कि मत पे ऐसे मत बोलिए भाषण देके उन्हें सम्मानित करें मंच पर, क्योंकि ऐसा अवसर जो है कभी कभी ही मैदान में देखा जाता है। लिहाजा मैं चेयरमैन गणेश सोलंकी जी से अनुरोध करूंगा कि हमारे अतिथि का सम्मान करें। दे दिए नहीं इसको नहीं दिया कॉपी नहीं आप अभी और ला रहे 10 मिनट एक्चुअली मैं थोड़ा बाहर हूँ थोड़ा बिजी हूँ मैं आपको रात में कॉल करता हूँ हाँ मिल जाएगा बैठ बैठ चलना हम थोड़ी जाने वाले सुना पता है ना कितना मिलेगा
और पूरी तरह से क्या गोल, बिल्कुल ट्रस्ट किया सारे खिलाड़ियों को, लिहाजा उन्होंने माइनस किया अपने साथी खिलाड़ी को और अपनी कोच बीच का परिचय दिया और स्वागत गोल को कर दिया। इस मैच के तुरंत बाद